हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज आर्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 9 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, तो बिफोर मूविंग टू दिस वर्ड रिप्रोडक्शन, ओके, तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगी या आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी कि आपने जो है ना इसे प्रीवियस क्लासेस में एंड इसे प्रीवियस चैप्टर्स में जो है ना एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि जितने भी आपके आसपास लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं ना, उनकी लाइफ में वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। ओके, जिसकी वजह से हम एक लिविंग बींग को नॉन लिविंग बींग से जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं जो एक लिविंग बींग्स की लाइफ में होते हैं। तो क्या क्या होते हैं ये लाइफ प्रोसेसेस? तो ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन एंड क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो हेयर कम्स आवर वर्ड रिप्रोडक्शन विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, तो ये क्या है रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है जितने भी मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस बताए, ओके, तो ये जितने भी लिविंग बींग्स होंगे उनके लाइफ में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर एक भी लाइफ प्रोसेस ढंग से काम नहीं किया ना तो उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी है। आपको पता है डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ये सभी क्या होते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन होता है कि जैसे कि आप, हम ह्यूमन बींग्स हैं या कोई एनिमल्स है, ओके, तो हम अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे सिमिलर काइंड ऑफ यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू होते रहता है, पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ता है, हमारी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती है। जैसे हम ह्यूमंस अपने जैसे यंग वन बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, अगर काव है तो अपने जैसे बछड़े को जो है वो जन्म देती है, बकरी अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। ओके, तो अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे अपने जैसे यंग वंस को तो उनके जो स्पीसीज हैं उनका कॉन्टिन्यूशन रुक जाएगा। ओके, तो इसी कॉन्टिन्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए, उनके स्पीसीज के पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो है ना ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है हर लिविंग बींग्स के लाइफ में। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज सिंपली प्रोड्यूसिंग ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ यंग वंस ऑफ अ स्पीसीज इज सिंपली कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमारा जो ये चैप्टर है एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा है। ओके, एनिमल्स के बारे में जानेंगे और हम अपने ह्यूमंस के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो हमने जो इसे पहले क्लास है क्लास 7 में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हमने प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से जो है क्या क्या प्रोसेसेस के थ्रू जो है एनिमल्स रिप्रोडक्शन के थ्रू में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ओके, एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए ना तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट नहीं होंगी। ओके, तो आपको सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से, वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ लाइफ प्रोसेसेस थे जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ओके, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बींग्स के लाइफ में होते हैं। तो दिस प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो ये सारे प्रोसेस तो हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी इनमें से लाइफ प्रोसेस रुका तो वो लिविंग बींग्स का लाइफ जो है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ जाएगा। ओके, यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपने जो है प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जो है वो
पढ़ लिया है अपने प्रीवियस क्लास में. ओके, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज. एंड जो हमारा ये एक लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, वो क्या है, वो किसी भी स्पीसीज के उनके पॉपुलेशन के कंटिन्यूशन में जो है इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. तो इमेजिन करिए कि क्या होता अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है. एंड रिप्रोडक्शन का जो होता है ना मीनिंग हिंदी में, वो प्रजनन होता है. ओके, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन या हम, ठीक है. एंड री मतलब हम किसी को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे रियलाइज़ कर पाओगे कि रिप्रोडक्शन जो है ना किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी स्पीसीज़ की लाइफ में उनके जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कितना एसेंशियल है, कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो आपने क्लास 7 में प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया. तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. तो अब हम इस चैप्टर में, ये हमारा पूरा चैप्टर जो है एनिमल्स के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होने वाला है. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. तो क्या आपने आसपास जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं, ओके, तो उनके यंग वंस को देखा है, जैसे गाय का, बकरी का, भैंस का, कुत्ते का. ओके, तो ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन एग्जांपल एट एस नंबर 1-5. तो हमें टेबल 9.1 जो है, एक टेबल दिया गया है, हमें वो फिल करना है, एनिमल्स के यंग वंस के नाम को लिखना है. ओके, आपको पता है कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी जो है एनिमल होता है उसके यंग वंस को हम जो स्पीसीज का नाम होता है उसके उस नाम से नहीं बुलाते हैं, कुछ अलग नाम होता है. जैसे कि ह्यूमन के यंग वन को बेबी कहते हैं. ओके, एंड कैट के यंग वन को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, ठीक है. एंड जो हमारा डॉग है उसके यंग वन को हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं, डॉग के यंग वन को. एंड जो बटरफ्लाई होता है उसके यंग वन को हम कैटरपिलर कहते हैं. ओके, एंड जो हैन है, हैन का यहाँ पे चिक दिया ही हुआ है. ओके, काऊ के यंग वन को हम काफ कहते हैं. एंड जो फ्रॉग है उनके यंग पन को हम टैडपोल कहते हैं. ओके, जस्ट एज इन प्लांट्स, प्लांट्स की तरह देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स भी जो है ना उनमें दो तरह के दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के. ओके, एंड ये मोड्स कौन से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अगर आपने क्लास 7 में अच्छे से रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा प्लांट्स का, तो आपको पता होगा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. ओके, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7. तो आपने जो क्लास 7 में रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ा था उसको याद करने का, रिकॉल करने की कोशिश करो. ओके, यू विल रिमेंबर डैट प्लांट्स डैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो आप याद करोगे कि ऐसे प्लांट्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ओके, तो उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट होता है. ये दोनों मिलकर के ही एक फिर यंग वन बनाते हैं. ओके, तो इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स. द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट. तो प्लांट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं. ओके, वो दोनों मिलकर के जो है एक नया जो उनके जैसा जो है सिमिलर काइंड का लिविंग बींग बनाते हैं या उनके जैसा सिमिलर काइंड का प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो मेल में जो है प्लांट्स में मेल गैमेट क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है एंड फीमेल गैमेट उनका एग होता है. ओके, तो उसी तरह से एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग जो हैं दिखने में भी अलग होते हैं एंड उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं. ओके, तो जो उनके दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलकर के एक
जो है जायगोट फॉर्मेशन करते हैं. ओके, फर्टिलाइज होके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मिल करके जो है जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही जायगोट जो है आगे बड़ा होकर के एक न्यू इंडिविजुअल में बॉर्न होता है. ओके, तो इट इज द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये जायगोट ही होता है जो कि न्यू इंडिविजुअल में जो है वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है. ओके, न्यू इंडिविजुअल. तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होकर के जो है एक नया यंग वन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, वाइल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी दो गैमेट का होना जरूरी नहीं होता है. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. ओके, तो चलिए अब हम ह्यूमंस में जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को जानते हैं. ओके, तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होते हैं, टेस्टिस का पेयर होता है. ओके, टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं एंड अ पेनिस होता है. फिगर 9.1 में आप यहाँ पे देखो, ये जो है आपको इस तरह से दो स्पर्म डक्ट्स हैं, ये पेनिस हैं. ओके, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेस्टिस. तो इन्हीं टेस्टिस में जो है ना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. ओके, एंड ये स्पर्म ही मेल गैमेट होते हैं, मेल के. ओके, तो लुक एट फिगर 9.2 विच शोज द फिगर ऑफ अ स्पर्म. तो अब आपको 9.2 में जो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये एक स्पर्म का फिगर है. ओके, जो कि मेल गैमेट होता है. तो द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. तो ये स्पर्म जो होते हैं वो बहुत साइज में स्मॉल होते हैं. ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल. तो सब जो भी स्पर्म होगा, ओके, तो उनका जो एक तरह से कहिए उनका जो बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है. तो उनमें जो है ना स्पर्म में एक हेड होगा, एक तरह से ये टेल होगा पूंछ की तरह, एंड ये मिडल पीस होता है. ओके, सारे स्पर्म में. डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल. तो क्या ये एक सिंगल सेल की तरह जो है अपीयर होता है, हाँ ये सिंगल सेल है, एंड एग भी सिंगल सेल होता है. ओके, एंड ये दोनों मिलकर के जो है फिर एक न्यू इंडिविजुअल जो है एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो एक सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये इनमें प्रेजेंस होगा. ओके, तो इच स्पर्म सेल इज सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ ही लिया था. ओके, इससे पहले, तो सेल में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कंपोनेंट्स इस स्पर्म सेल में भी होंगे, ये एक सिंगल सेल है. ओके, तो आप ये फिगर जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, ह्यूमन स्पर्म का फिगर बनाने के लिए. ओके, नाउ इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स जिसे कहते हैं, एंड द यूटरस, फिगर 9.3. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं इस तरह से, ठीक है, एंड ओविडक्ट होते हैं जिसको क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, एंड यूटरस, और क्या होती हैं, यूटेरस होती हैं इस तरह से, ये यूटेरस. ओके, द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा एग्स. तो ओवरी जो होती हैं, ये ओवरी यही प्रोड्यूस करती हैं एग को. ओके, जो कि फीमेल गैमेट होती हैं. ओके, जिसे ओवा भी कहते हैं हम लोग. ओके, इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. तो ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होती हैं उनके उनमें जो है ना हर एक सिंगल एग जो है वो मेच्योर होता है और ओविडक्ट में रिलीज, ओविडक्ट में जो है चले जाता है हर मंथ को. इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. ओके, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही होता है कि एक एग मेच्योर होकर के जो है ना आपके ओविडक्ट में आ जाता है हर मंथ में. ओके,
यूटरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस. तो यूटरस जो है वो पार्ट है जहाँ पे कि ह्यूमन स्पीसीज के बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो यूटरस के अंदर ही होता है. ओके, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. तो स्पर्म की तरह एग भी जो है ना वो एक सिंगल सेल है और उसमें भी सारे सेल के जितने कंपोनेंट्स होंगे वो प्रेजेंस होंगे. ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन ओवम का फिगर दिया हुआ है. इस तरह से एग अक्सर जो है राउंड शेप में होते हैं, इस तरह से यहाँ भी एग जो है वो राउंड शेप में आपको दिख रहा है. ओके, एंड यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिख रहा है. इस तरह से जो है ये ओवम है एंड ये स्पर्म्स जो हैं ये इस तरह से आ रहे हैं और इनमें से जो है कोई एक स्पर्म ही जो है इसके एग के अंदर जाएगा और यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में यहाँ पे जा करके मिलेगा एंड फर्टिलाइज होगा. ओके, बूझो रिकॉल्स डेट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज. तो बूझो यहाँ पे रिकॉल कर रहा है कि एनिमल्स के जो एग्स होते हैं उनका साइज बहुत वेरी करता है. वो इसलिए ऐसा सोच रहा है क्योंकि आप अक्सर मुर्गी का अंडा देखते हो वो बड़ा देखते हो एंड ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो तो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट एग होता है. ओके, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एग जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा. ओके, नाउ इज फर्टिलाइजेशन. अब हम फर्टिलाइजेशन जानते हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम. तो फर्टिलाइजेशन जो है रिप्रोडक्शन का फर्स्ट प्रोसेस होता है. ओके, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है दोनों का. ठीक है, तो स्पर्म मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है एंड फीमेल गैमेट क्या है, ओवम है जिसे एग कहते हैं. ओके, इन दोनों का फ्यूजन होगा और यही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है. तो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, तो व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विथ द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो जब स्पर्म जो है एग के कॉन्टैक्ट में आता है तो बहुत सारे स्पर्म जो है ना एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं. ठीक है, तो उनमें से जो सबसे पावरफुल एग स्पर्म होगा वो जो है अंदर इसके बाहर के लेयर को जो है अंदर से जो है अंदर जाएगा. ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है वो एग के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है. ओके, जो कि टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस और ये दोनों फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. ओके, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट, जो कि फर्टिलाइज्ड एग या फिर जिसे हम जायगोट कहते हैं फिगर 9.6 में यहाँ पे दिखाया गया है. ओके, यहाँ पे दो जो है न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे. ओके, वो एक हो जाएंगे. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग सेल जो कि मदर के बॉडी में होता है एंड स्पर्म सेल जो कि फादर के बॉडी में होता है, उन दोनों का ही फ्यूजन होता है. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो एक मदर से गैमेट होता है एंड एक फादर से होता है, इसकी वजह से ही जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, न्यू यंग वन होता है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बॉडी में वो कुछ उनके मदर के होते हैं, कुछ उनके फादर के होते हैं. आपने देखा होगा कि आप अक्सर बोलते हैं ना कि ये गुण तो इसके पापा से आया है, ये गुण तो इसकी मम्मी से आया है. तो वो कहाँ से आता है, तो वो उनके जीन में आता है. और वो जीन कहाँ से आता है, तो उनके सेल्स में जो होता है, उनके गैमेट में वो सारे जीन जो है वो कैरी किए रहते हैं. तो उन्हीं से जो है ना वो इनहेरिट करते हैं. इनहेरिट मतलब ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ओके, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर. तो आप अपने ब्रदर और सिस्टर को देखें. सी इफ़ यू कैन रिकोगनाइज सम कैरेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर. तो क्या आप उनमें जो है रिकोगनाइज कर पा रहे हो, पहचान कर पा रहे हो कि उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो है ना उनके मम्मी के हैं, कुछ पापा के हैं. जैसे कि उनके मान लो आप हेयर, ठीक है, अगर आपके पापा के हेयर कर्ली हैं तो हो सकता है कि आपके ब्रदर सिस्टर या आप जो हो आपके भी हेयर कर्ली हों,
लेकिन आपकी मम्मी के जो हेयर हैं वो सिल्की हैं, तो आप अगर मान लो कि दो भाई, एक भाई एक बहन हो, ठीक है, या फिर दो भाई या दो बहन जो भी हो, ठीक है, तो अगर आपके हेयर जो हैं, पापा का हेयर कर्ली है, मम्मी का हेयर सिल्की हो गया, तो अगर आपका हेयर जो है वो कर्ली हो गया और आपकी बहन का हेयर सिल्की हो गया, तो आपने अपने कर्ली हेयर को कहाँ से इनहेरिट किया? अपने फादर से इनहेरिट किया। एंड आपकी सिस्टर ने अपने सिल्की हेयर को कहाँ से इनहेरिट किया? वो इनहेरिट किया उनके अपनी मदर से। तो ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ओके, क्योंकि उनका मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ था, तो उनमें, तो वो जो एक सिंगल न्यूक्लियस बना था उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, ओके। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके। अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके, क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्ड इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैंस। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, जैसे ह्यूमन्स में, काउ में, डॉग में, हैन में, ओके। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? ओके, तो क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, ओके। बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास डैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ वुमेन्स जो होती हैं उनके ओविडक्ट्स जो है ना वो ब्लॉक होते हैं, जहाँ में कि एग जो है मेच्योर होकर रिलीज होते हैं, ओके। तो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे वुमेन्स जो होती हैं वो बेबीज को बर्थ देने में, प्रोड्यूस करने में जो है ना अनेबल होती हैं, क्योंकि उनके ओविडक्ट्स ब्लॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ तक स्पर्म रीच नहीं कर पाता है। तो इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट freshly released egg and sperms and keep them together for few hours for IVF or in vitro fertilization। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये doctors करते हैं कि जो जो women's होती हैं उनके ओविडक्स block होते हैं उनके body से जो है ना eggs को extract करती हैं, निकालती हैं, okay, and उनके जो male partners होते हैं उनके भी जो है sperm cell को निकालती है, okay, and उनको जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है उनको वो करती है, फर्टिलाइज करती है, यानी कि उनको कुछ आवर्स के लिए जो है एक जगह पे रखती हैं और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होने देती हैं, ठीक है, टू कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर IVF। उनको कुछ समय के लिए जो है एक साथ रखती हैं ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन हो सके, और इसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। तो फिर एक वीक के अंदर जो है उसमें जायगोट भी डेवलप हो जाता है एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। तो जब जायगोट डेवलप हो जाता है फिर उसको मदर के यूटेरस में जो है डाल दिया जाता है, फिर वहाँ फर्दर डेवलपमेंट जो है बेबी का स्टार्ट हो जाता है। तो वो बर्थ मदर ही देंगी लेकिन फर्टिलाइजेशन उनके बॉडी के अंदर नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन जब जायगोट का डेवलपमेंट हो जाता है फिर उस जायगोट को जो है उन मदर की बॉडी में डाल दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है, फिर वहाँ से फर्दर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहाँ तक स्पर्म सेल रीच नहीं कर पा रहे थे तो बाहर में उन दोनों को फ्यूज़ करवाया गया, ओके। सो कम्प्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। तो सारा डेवलपमेंट जो है मदर के यूटेरस में होता है और बेबी जो है उसी तरह पैदा होता है जैसे दूसरा बेबी पैदा होता है, ओके। तो बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इस तरह से जो बेबीज पैदा होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। एंड दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। तो यहाँ पे जो ये टर्म है ना टेस्ट ट्यूब बेबीज, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक है, IVF, लेकिन यहाँ जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जा रहा है ये बिल्कुल ही मिसलीडिंग है, क्योंकि किसी टेस्ट ट्यूब में बेबी को पैदा नहीं किया जा रहा है, ओके। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो आप ये जान के सरप्राइज हो गए कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, और ऐसे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे होता है, ओके। एक्टिविटी 9.1, विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो
फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स। तो कोई पॉन्ड्स जो आपके आसपास तालाब है या फिर जहाँ पे जो है धीरे धीरे पानी बह रही है या स्ट्रीम्स हैं या स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में आप विजिट करें, लुकआउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। वहाँ पर आप जो है ना पॉन्ड्स में फ्रॉग के जो एग होते हैं ना उनको देख पाओगे जो कि पानी में तैर रहे होते हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। तो आप अगर देखो आपको दिखते हैं तो उनके कलर एंड साइज को मैंने तो नहीं देखा है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव्स टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। तो स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम में जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं ये जो है ना पॉन्ड्स में तालाबों में ठीक है और जहाँ पे पानी जो है स्लोली मूव करती होती है वहाँ पे ये लोग मूव करते हैं। तो व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, तो वहाँ पे क्या होता है मेल एंड फीमेल जब आपस में साथ आती हैं ठीक है, द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। तो वहाँ पे क्या होता है फीमेल्स जो होती हैं वो सैकड़ों संख्या में जो है ना एग्स को देती हैं ठीक है। अनलाइक हेंस एग फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। तो जैसे हेन का एग जो होता है जो काफ़ी बाहर से स्ट्रांग होता है कड़ा होता है उसका जो शेल होता है वो के ठीक है, उसकी तरह जो है फ्रॉग का एग उस तरह से स्ट्रांग नहीं होता है ठीक है और शेल से कवर्ड नहीं होता है, बहुत डेलिकेट नाजुक सा होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। तो एक जेली का लेयर होता है जो कि उस एग को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एग जो है फ्रॉग का यहाँ पे दिखाया गया है ओके। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही एग जो है मतलब फीमेल जो है फ्रॉग्स जो है वो एग देती हैं, द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। तो मेल जो होते हैं वो स्पर्म उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर, तो हर स्पर्म जो है वो वाटर में स्विम करता है। आपको पता है स्पर्म्स में जो है वो टेल होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं स्विम्स करते हैं ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, जो उसके लॉन्ग टेल होते हैं उसकी हेल्प से द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग। फिर स्पर्म जो है उस एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, उनका फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का ओके। तो ये भी फर्टिलाइजेशन क्या है, इनसाइड बॉडी नहीं हो रहा आउटसाइड बॉडी हो रहा है वाटर में हो रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ओके। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है नॉट इनसाइड द बॉडी बट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओके। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश स्टार फिश एक्सेट्रा। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं उनमें यह बहुत कॉमन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओके। यहाँ पे जो है बूझो बोल रहा है वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर इज अ हेंस ले लेज ओनली वन एग एट अ टाइम। तो क्यों जो ये फ्रॉग्स हैं ये फिश हैं ये सैकड़ों की संख्या में जो है एग जो हैं रिलीज करती हैं जबकि मुर्गे जो होते हैं मुर्गियाँ जो होती हैं वो एक टाइम पे एक ही एग रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे पहली बोल रही है द दीज एनिमल्स ले हंड्रेड ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ऑल द एग्स डू नॉट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो है ना जो इंडिविजुअल जो रिलीज़ करते हैं हंड्रेड्स के नंबर्स में एग्स एंड स्पर्म्स को, तो उनके सारे एग एंड स्पर्म्स जो है ना वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, कुछ ही फर्टिलाइज होते हैं जो यंग वन में जाकर के प्रोड्यूस होते हैं ओके। तो दिस इज़ बिकॉज द एग एंड स्पर्म गॉट एक्सपोज टू वाटर मोमेंट विंड एंड रेनफॉल। इसीलिए जो है ना ये एग एंड स्पर्म्स जो हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो स्पर्म एंड एग है जो है ना वाटर के एक्सपोजर में विंड के रेनफॉल के एक्सपोजर में होते हैं ठीक है। ऑल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग, और भी ऐसे एनिमल्स हैं उसी पॉन्ड में होते हैं उसी वाटर बॉडी में होते हैं जो कि उन एग्स को जो है उनको खा लेते हैं ओके। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स का प्रोडक्शन होना जरूरी है ताकि कुछ को अगर कोई दूसरा एनिमल खा भी जाता है कुछ रेनफॉल के एक्सपोजर में विंड के एक्सपोजर में अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं तो कुछ बचे रहेंगे जिनसे कि यंग वन का फिट प्रोडक्शन होगा ओके। तो आई होप आपको ये रीजन क्लियर हो गया होगा ओके।
नाउ इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अब हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में के बारे में पढ़ेंगे, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जायगोट के बाद फिर क्या फॉर्म होता है एम्ब्रियो के बारे में हम जानेंगे. ओके, एंड ये फिगर को भी समझेंगे. तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. ओके, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आई होप आपको जो है यहाँ तक ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इस चैप्टर के जो टर्म्स हैं, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आपको अच्छे से बताया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट फॉर्मेशन क्या होता है, एंड IVF इनविट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें. तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग.